सब्सक्राइब करें होममेड क्राफ्टिंग को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 साल की बेबी गर्ल्स के लिए पोंचू बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये मैंने 2 कलर्स की ऊन ली है और ये मैंने 6 नंबर का क्रोशिया लिया है। इस क्रोशिया से मैं आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं पिंक कलर की ऊन लेती हूँ और इससे मैं चेन बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये नोट बांध दिए हैं। नोट बांधने के बाद अब मैं चेन बनाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये चेन बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से ये चेन बनानी है। इसमें मैं 92 चेन डालूंगी। देखिए, इसी तरह से ये पूरी चेन बनानी है। देखिए, मैंने ये 92 चेन बना ली है। अब चेन बनाने के बाद मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं ये जोड़ती हूँ। ये मैंने देखिए चेन को जोड़ दिया है। देखिए, ये मैंने चेन को अब जोड़ दिया है। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। की चेन बनाने के बाद अब मैं इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी अगले में। देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए, फिर अगले में भी डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए, इस तरह से ही है डबल क्रोशिया डालनी है। अब डबल क्रोशिया डालने के बाद यहाँ पर मैं 2 की चेन लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये 2 की चेन ले ली है। फिर अगले में भी डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इस तरह से। डबल क्रोशिया डालने के बाद इस तरह से ही ये बुनते जाना है और यहीं से ही ये पोंचो आगे को बढ़ेगा। मैं एक आगे डालूंगी और एक पीछे, एक मैं फ्रंट में डालूंगी और एक मैं ये बैक में, इस तरह से। अब डबल क्रोशिया ही बुनना है। देखिए, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 46 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 46 डबल क्रोशिया डालने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 की चेन बनाऊंगी। देखिए, और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, इस तरह से ये मैंने बीच में 2 की चेन बना दी है। ये बीच में मैंने 2 की चेन बना दी है और फिर ये डबल क्रोशिया डाल दी। इधर भी मैंने इसी तरह से ही डाला है। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया पोंचो का। अब मैं फिर ये डबल क्रोशिया बुनूंगी।
देखिए ये जोड़ने के बाद मैंने अभी थ्री की चेन बना ली है। थ्री की चेन बनाने के बाद अब मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए है। अभी यहाँ पर मैं टू डबल क्रोशिया डालूंगी, वन और ये टू, टू डबल क्रोशिया, फिर टू डबल क्रोशिया डालने के बाद फिर मैं टू की चेन लूंगी और फिर इसी में ही मैं टू डबल क्रोशिया डालूंगी, वन और एक ये टू। इस तरह से डालने हैं ये टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया इधर डल गए और टू ही इधर डले हैं डबल क्रोशिया, टोटल हो गई है फोर डबल क्रोशिया। पूरी लाइन ऐसे ही बनाऊंगी डबल क्रोशिया के साथ। अभी यहाँ पर मैं फोर डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए मैंने टू डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और फिर टू की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं फोर डबल क्रोशिया। अब आगे सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन बनानी है सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। इस तरह से ये बनकर इस तरह से आएगा पोंचो। देखिए इस तरह से आएगा ये पोंचो। पूरी लाइन इसी तरह से ही बनाऊंगी डबल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है दूसरी लाइन। अब इस मैं इसको अब इस तरह से जोड़ती हूँ। ये मैंने अब जोड़ दिया। देखिए अब मैं इसमें पर्पल कलर की ऊन लगाऊंगी। देखिए सबसे पहले मैं इसमें ये फोर की चेन बनाऊंगी। ये मैंने फोर की चेन बना दी है। अब फोर की चेन बनाने के बाद वन डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में डालना है ये इस तरह से। बन चैन लूंगी। बन चैन लेने के बाद फिर अगले में डबल क्रोशिया डालना है वन डबल क्रोशिया छोड़कर। देखिए इस तरह से ये डालना है फिर वन चैन और नीचे ये वन डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में डालना है ये वन चैन और फिर अगले में इसमें वन डबल क्रोशिया। देखिए ये पोंचो में मैं डिजाइन डाल रही हूँ फिर वन चैन फिर ये इसमें टू डबल क्रोशिया, वन टू डबल क्रोशिया और फिर टू की चैन और फिर टू डबल क्रोशिया। बीच में यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया पड़ेंगे इस तरह से फिर वन चैन फिर वन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से वन चैन के बाद फिर वन डबल क्रोशिया छोड़कर अगले में दूसरे में डालना है डबल क्रोशिया को फिर वन चैन और फिर वन डबल क्रोशिया वन चैन और फिर वन डबल क्रोशिया।
इसी तरह से ही ये पूरी लाइन बनाऊंगी। ऊपर वन की चेन है और नीचे ये वन डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद जब डबल क्रोशिया डालना है। चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। फिर वन चेन और फिर वन डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने इस तरह से मैं ये लाइन भी जोड़ देती हूँ। ये मैंने देखिए ये लाइन भी मैंने अब जोड़ दी है। अब मैं इसमें फोर की चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री और ये फोर। फोर की चेन बनाने के बाद फिर अगले में इसमें मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर ही मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है और वन चेन लेकर फिर दूसरे में भी इसी तरह से ये डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए इस तरह से फिर वन चेन और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर ही ये डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से वन चेन और फिर फोर डबल क्रोशिया, पहले टू डबल क्रोशिया और फिर टू की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये फोर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये मैंने फोर डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर वन चेन और फिर अगले में वन डबल क्रोशिया। फिर वन चेन डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से वन चेन और फिर वन डबल क्रोशिया। पूरी लाइन इसी तरह से ही बनानी है। देखिए अब मैंने ये दूसरी लाइन भी अब कंप्लीट कर ली है। अब वन चेन लेकर फिर इसमें ये जोड़ना इस तरह से। देखिए मैंने इसको ये जोड़ दिया। देखिए इस तरह से पोंचो बनता हुआ आ रहा है। अब मैं टू लाइन इसमें पिंक कलर की लगाऊंगी। ये टू लाइन मैंने पर्पल की लगा दी है और इसमें पर्पल से ये डिजाइन लगाना है। पिंक की प्लेन बनानी है और पर्पल की ये डिजाइन बनाना है। डिजाइन इसी तरह से ही बनाना है। अब मैं इसमें ये पिंक कलर से बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बनाती हूँ मैं ये। सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन लूंगी और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी।
स्टिकी चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से ही पूरे में डबल क्रोशिया डाल ले हैं। इसमें मैं फोर डबल क्रोशिया डालूंगी, टू डबल क्रोशिया, फिर टू की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया। फ्रंट में और बैक में ये फोर डबल क्रोशिया पड़ेंगे बीच में यहाँ पर, और बाकी में सारे में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से ही मैं ये सिंगल क्रोशिया लेते हुए टू लाइन पिंक की बनाऊंगी और फिर टू लाइन पर्पल की बनाऊंगी, पर्पल की इसी तरह से ही बनाऊंगी और पिंक की ये सिंगल डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। इसी तरह से ही आगे को ये पोंचो बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब मैं ये गले का बॉर्डर बनाऊंगी, पर्पल कलर से बना रही हूँ अब मैं ये बॉर्डर। किस तरह से बनाती हूँ मैं बॉर्डर, सबसे पहले मैं थ्री की चेन लूंगी, टू और ये थ्री, थ्री की चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से टू, टू डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से मैं ये फिर इसमें डालूंगी। देखिए वन टू थ्री डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से ही वन और ये टू डबल क्रोशिया। फिर सिंगल क्रोशिया लिए तो इस तरह से बुना, फिर थ्री की चेन और फिर इसी में ही ये वन डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और ये टू डबल क्रोशिया। फिर सिंगल लेते हुए आगे को इस तरह से डालकर बुनना है। ये पूरा बॉर्डर गले का इसी तरह से ही बनाऊंगी। ये हो गई टू डबल क्रोशिया, अब इसको जोड़ देते हैं।
देखिए अब मैंने ये गले का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आया है ये गले का बॉर्डर। देखिए गले का बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब मैं नीचे का बनाऊंगी। नीचे का बॉर्डर बना रही हूँ अब मैं, ये मैं पिंक कलर से बना रही हूँ। देखिए इस तरह से सबसे पहले मैं ये थ्री की चेन बनाऊंगी। थ्री की चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसमें ये मैंने टू डबल क्रोशिया डाल दिए हैं इस तरह से। फिर मैं बंच चेन लूंगी। थ्री डाल दिए हैं। फिर मैं एक का बीच में गैप दूंगी ये और वन चेन लेकर थ्री डबल क्रोशिया डालना है। टू और थ्री। इसको गैप देने के बाद एक को छोड़कर फिर अगले में डालना है इस तरह से। देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन बनानी है। मैं ये टू लाइन बनाऊंगी इसी तरह से, वन चैन और फिर वन को छोड़कर अगले में डालना है। अगले को छोड़ना है फिर इससे अगले में डालना है, दूसरे में डालना है। मैं ये नीचे का बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से ये बॉर्डर बनाना है। देखिए अब मैंने ये पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। मैं फिर थ्री की चेन बनाऊंगी और फिर इसी में ही मैं थ्री डबल क्रोशिया डालूंगी। ये हो गए थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन चेन और फिर डबल क्रोशिया डालूंगी इसमें थ्री डबल क्रोशिया। ये लाइन भी ऐसी ही बुनी जाएगी जैसे मैंने पहली लाइन बनाई है, वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए अब मैं ये जोड़ती हूँ। अब मैंने ये दोनों लाइन कंप्लीट कर ली है नीचे से बॉर्डर की। अब मैं इसको ये बंद कर रही हूँ इस तरह से। अब मैंने इसको ये बंद कर दिया है। अब इसमें मैं पोम पोम लगाऊंगी नीचे। अब मैं ये पोम पोम लगाऊंगी। पोम पोम लगाने से पहले मैं पहले डोरी बनाऊंगी गले की। डोरी बनाने के बाद इसमें मैं फिर पॉम पॉम लगाऊंगी। देखिए अब मैं यहाँ पे ये गले के लिए डोरी बनाऊंगी गले में डालने के लिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाती हूँ मैं डोरी को। डोरी ये मैं पर्पल कलर से बनाऊंगी।
मैंने इसमें ये 3 धागे लिए हैं डोरी बनाने के लिए। देखिए इस तरह से चेन बनानी है। पूरी डोरी इसी तरह से ही बनानी है। देखिए ये डोरी अब मैंने बना ली है। मैं इसको पोंचो में डालती हूँ। डोरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको लंबी डालनी है या छोटी डालनी है आप बना सकते हैं। देखिए अब मैं ये गले में डोरी डालती हूँ। देखिए इस तरह से डालती हूँ मैं। पूरी डोरी इस तरह से ही डालनी है। देखिए अब इसमें मैंने पोंचो में ये डोरी डाल दी है। अब इसमें मैं पोंपोंग बांधूंगी। देखिए मैं पोंपोंग बनाती हूँ। मैं इनको पोंचो में लगाती हूँ। देखिए इस तरह से लगाते हैं इसको पोंचो में। लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। अब दूसरा भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। देखिए अब मैं ये दूसरा लगाती हूँ। दूसरा भी देखिए इस तरह से ही मैंने दोनों पोंपों लगा दिए हैं। देखिए पोंचो में ये डोरी और मैंने ये पोंपों बांध दिए हैं। अब मैं नीचे यहाँ पे भी पोंपों बांधूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 धागे लिए हैं ये। तो देखिए पोंचो को मैं उल्टा कर लूंगी इस तरह से। देखिए उल्टा करने के बाद ही मैं इसको लगाती हूँ। देखिए मैं पोंपों में बांधती हूँ नीचे। देखिए इस तरह से ये बांधने हैं। देखिए मैंने ये बांध दिया है। देखिए इस तरह से ये आ गया है बनकर। देखिए इस तरह से ये बांध रही हूँ मैं।
ये मैंने सारे पॉम पॉम बांध दिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। जो ये छोटे बड़े हैं उनको हम इस तरह से काट लेते हैं। देखिए इस तरह से ये, देखिए मैंने ये पॉम पॉम लगा दिए हैं और इनकी कटिंग भी कर दी है नीचे से। अब ये पोंचो बन गया है। ये पोंचो बहुत ही सुंदर लग रहा है बनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।